हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं 15 मई की हिस्टोफेंसी। नंबर एक, फास्ट फूड्स में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला प्रोडक्ट बर्गर है, और बर्गर्स में सबसे पहले नाम आता है मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड में फास्ट फूड की सबसे बड़ी फूड चेन है। आज मैकडोनल्ड्स के दुनिया के 119 देशों में 32,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं। मैकडोनल्ड्स में हर दिन लगभग 7 करोड़ कस्टमर्स आते हैं। क्या आप जानते हैं कि मैकडोनल्ड्स की स्थापना कब हुई? मैकडोनल्ड्स की स्थापना 15 मई 1940 में कैलिफोर्निया में रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड नाम के दो भाइयों ने की, इसलिए उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम मैकडोनल्ड्स रखा। 1955 में रे क्रोक नाम के एक व्यक्ति ने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड ब्रदर से ली, जिसके बाद मैकडोनल्ड्स का रे क्रोक ने ग्लोबलाइजेशन किया, जिसके कारण आज मैकडोनल्ड्स 119 देशों में फैला हुआ है। शुरुआत में मैकडोनल्ड्स केवल हैमबर्गर ही बेचता था, लेकिन आज मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर, चीज़बर्गर, चिकन प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट्स जैसे प्रोडक्ट भी बेचता है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हिस्टोफेंसी को विजिट करें। नंबर दो, इंडियन सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस में धकधक गर्ल का नाम टॉप पर आता है। धकधक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित अपने लाजवाब एक्सप्रेशंस और डांस के लिए जानी जाती हैं। माधुरी की तेजाब फिल्म के सॉन्ग 1, 2, 3 ने माधुरी को बॉलीवुड में नई पहचान दिलवाई। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। माधुरी बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत में बॉलीवुड में जाना लिखा था। साल 1984 में माधुरी ने अपनी पहली फिल्म अबोध की, लेकिन माधुरी को फिल्म तेजाब से असली पहचान मिली, जिसके बाद उन्होंने बैक टू बैक सक्सेसफुल फिल्म की, जैसे कि हम आपके हैं कौन, देवदास, बेटा, राजा, दिल और राजा नचले। 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी ने डॉक्टर श्रीराम माधव से शादी की। आज उनके दो बेटे हैं, रयान और आरिन। माधुरी को अपनी लाजवाब एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया। अगर आपको धकधक गर्ल की लाइफ स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर तीन, एक सोसाइटी की नींव फैमिली ही होती है। फैमिली जो एक बच्चे का पालन पोषण करती है उसे एक सच्चा और अच्छा नागरिक बनाने की सीख देती है, लेकिन आजकल यूथ फैमिली की इंपॉर्टेंस को नहीं समझती। आजकल के बच्चे परिवार से दूर रहकर ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन ये बच्चे ये बात नहीं समझते कि फैमिली में रहकर ही सच्ची खुशी मिलती है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन ने यूथ को फैमिली में रहने के लिए मोटिवेट करने के लिए 1993 में हर साल 15 मई को फैमिली डे मनाने का संकल्प लिया। इसलिए हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है, ताकि लोग परिवार में मिलजुल कर रहने के लिए इंस्पायर हों। नंबर चार, कार्टून की बात करें तो कुछ कार्टून करेक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे दिल पर एक छाप छोड़ जाते हैं, और मिक्की माउस उन्हीं में से एक है। मिक्की माउस को वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था, और मिक्की माउस की शुरुआत 15 मई 1927 को हुई थी। उस समय पर सभी एनिमेटेड फिल्म्स साइलेंट फिल्म्स होती थी, जिनमें करेक्टर सिर्फ एक्टिंग करते थे, यानी बोलते नहीं थे। लेकिन मिक्की माउस पहली बोलने वाली एनिमेटेड फिल्म बनी, और इसलिए मिक्की माउस काफ़ी पॉपुलर हुई। मिक्की माउस को ऑस्कर अवार्ड भी मिला, और आज तक हम मिक्की माउस के डेली प्रोग्राम्स को एंजॉय कर रहे हैं। मिक्की माउस हमारे बाप दादाओं के जमाने से चलता आ रहा है, और हमारी आगे की जनरेशन भी इसे देखती रहेगी। अगर आपको भी मिक्की माउस पसंद है तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हिस्टोफेंसी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।